नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। महंगे तेल ने एक बार फिर मुकेश अंबानी की अपने पेट्रोल पंपों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक बार बंद होने के बाद दोबारा शुरू हुए रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर अब एक बार फिर बंद होने का संकट मंडरा रहा है। रिलायंस पेट्रोल पंप डीलर्स के लिए थोड़ी राहत की खबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और BPLC अपने डीलरों को राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल RIL और BPLC का अपने डीलरों को मुआवजा देने का प्लान है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ऐसा प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो बात यह है कि डीजल की बिक्री पर रोजाना 10 से 12 रुपए प्रति लीटर के नुकसान के कारण रिलायंस ने 16 मार्च को अपने डीलरों को ईंधन की आपूर्ति लगभग आधी कर दी थी। RIL ने अभी भी पूरी तरह से ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू नहीं की है। हालांकि अब रिटेल आउटलेट्स को बंद करने से बचाने के लिए RIL कुछ विकल्पों पर विचार कर रही है, जैसे कंपनी अपने डीलर्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, या ओवरहेड खर्चों का भुगतान कर सकती है, या ईंधन की आपूर्ति में भी बदलाव कर सकती है। 2008 में RIL ने कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और सरकार से सपोर्ट ना मिलने के कारण डीलरों को मुआवजा दिया था। उस समय रिलायंस ने डीजल पर 500 और पेट्रोल पर 400 रुपए प्रति किलोलीटर अतिरिक्त मार्जिन देने की पेशकश की थी। जिन डीलरों ने ईंधन की बिक्री बंद करने का फैसला किया था, उनमें काम दोबारा शुरू करने में लगाई गई पूंजी पर 12.5% का रिटर्न दिया गया। कुछ डीलरों का तर्क है कि अगर मुआवजा योजना काम करती है तो यह बहुत बड़ा समर्थन होगा। अब ये जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कितना नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $110 से ऊपर बिकने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले एक महीने से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस वजह से तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए पर लीटर और डीजल पर 20 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। 22 मार्च से 6 अप्रैल तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 बार बढ़ोतरी की गई थी। RIL और BP के देश भर में 1400 से अधिक पेट्रोल पंप हैं। उम्मीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी अन्य खबरों के लिए YouTube पर मनी नाइन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की गई है हमारे साथी गगन राव पाटिल द्वारा।